मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं हिंदू, और मेरे सनातन पे अगर प्रहार होगा तो मैं इनको जवाब देने के लिए जरूर आऊंगा। बोल रहे हैं कि यहाँ से ब्राह्मण चले जाए, बनिया चले जाए, हिंदू भारत छोड़ दे। उन्होंने पहले बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात नहीं है कुछ भी करने की। ब्राह्मण का तो ये ऐसे टारगेट कर रहे हैं जैसे ब्राह्मण इनका बाप है और ये हमारे ब्राह्मण की नजायज औलाद है। क्यों नहीं जाने दे रही है पुलिस? पुलिस जेएनयू पर लठ चलाए, पुलिस जेएनयू पर लठ चलाए, नहीं तो हमें दे, हम लठ चला देंगे जेएनयू पर। आंदोलन अंत तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और जितने भी वो वामपंथी लोग हैं, कीड़े, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसी का नहीं सुनना है, चलना है मतलब चलना है, चलो। क्यों कह रहे कैंपस का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा नहीं है। कौन भी एक ही जगह से बार बार कभी धर्म के लिए कभी देश के लिए गतिविधि चल रही है, आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग आदरणीय हैं हमारे लिए, पुलिस हमारे लिए है, हमें भी पता है, लेकिन एक ही जगह से बार बार कभी धर्म पर चोट, कभी गंगाए पर, गंगा पर, गीता पर, गौरी पर, व्हाट इज दिस? लेकिन बार बार मेरे सनातन धर्म पर चोट करे, हम वीजा लेने आए हैं, हम उसको टांग तोड़ने आए हैं, वीजा नहीं लेकर आई हूँ, सारा सामान लेके आई हूँ, और मुझे भी वीजा चाहिए, प्लीज मुझे भी वीजा चाहिए, ये रहा मेरा बैग। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण ना होते हुए भी, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं हिंदू, और मेरे सनातन पे अगर प्रहार होगा, ब्राह्मण हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने प्रभु श्री राम, तो अगर मेरे सनातन पर प्रहार होगा तो मैं इनको जवाब देने के लिए जरूर हूँ आऊंगा। दूसरी बात, अगर हम ये भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं तो मैं भारत छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पासपोर्ट साथ है, वीजा लगवाओ, हिंदू भारत छोड़ दे। बोल रहे हैं कि यहाँ से ब्राह्मण चले जाए, बनिया चले जाए, खून बहेगा अगर आप लोग इस तरीके। हम खून हमारे हम देने के लिए तैयार है, सब लोग तैयार है खून देने के लिए, खून देने के लिए आए हैं। आओ बहाओ हमारा खून। मैं बनिया हूँ, मेरा बच्चा बनिया, मैं अपना वीजा पासपोर्ट लेने आई हूँ, मुझे कहाँ भेजेंगे? भारत छोड़ना है ना, मेरा मर्डर करेंगे, मैं खुद आ गई हूँ, अब बताएं कि हमें जाना कहाँ पर है। क्यों बोला जा रहा है कि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के? जातिवाद में बांट रहे हैं भारत, जातिवाद में बटेगा नहीं, बटेगा नहीं, बटेंगे जातिवाद में। हम हिंदू हैं, हम किसी जाति के नहीं, हम हिंदू हैं। ब्राह्मण बनिया नहीं, हिंदू, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। ब्राह्मण बनिया वाला बांटने की नहीं, नहीं, हम हिंदू हैं, सिर्फ हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू। सबको जातिवाद में बांट के अपना फायदा उठा रहे हैं। ब्राह्मण और बनिया की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण बनिया बटेगा या हिंदू है? मैं बनिया हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं बनिया बाद में हूँ, मैं पहले हिंदू। समाज एकजुट होकर के जवाब, एकजुट है, एकजुट होकर के जवाब। उन्होंने पहले बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो टुकड़े करने के लिए हिंदू को बांट रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम बनिए, हमें भेजो, क्या कर लेंगे? उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात नहीं है कुछ भी करने की। आज वो हमें दिखाए, हम क्या करेंगे? पूरे परिवार समेत, बच्चे समेत आई हूँ, छोटा बच्चा है, दो वीजा पास में हूँ, लेकिन क्षत्रिय से पहले मैं हिंदू हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय से पहले, लेकिन मैं हिंदू हूँ। ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय सब मिलकर के एकजुट एक साथ, हम सनातनी हिंदू, सनातनी है, हम हिंदू सनातनी है, सब सनातनी मिलकर के एकजुट होकर के जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। ये सिर्फ एक जाति को इसने बोला है, बनिया और ब्राह्मण, अभी तो और जातियां बाकी है, सभी एकजुट होकर जवाब देंगे और अच्छे से बताएंगे इन जेएनयू वालों को। हर हर महादेव। ये कह रहे हैं कि कैंपस का मुद्दा है, देश का मुद्दा नहीं है। ये कोई कैंपस का मुद्दा नहीं है, ये हमारे हिंदुत्व का मुद्दा है, ये सनातन का मुद्दा है, ये सनातन धर्म का मुद्दा है, ये सनातन धर्म का मुद्दा है, ये सनातनियों की लड़ाई। ये जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये देश का मुद्दा नहीं है, सिर्फ कैंपस का मुद्दा, ये कैंपस का नहीं है, ये हमारे देश का मुद्दा है, हमारे हिंदुत्व का मुद्दा है। इस जेएनयू को बंद करने का समय आ गया है, करने की बिल्कुल, इस जेएनयू को बंद करो। वो कह रहे हैं वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जनवन बात करते हैं। जो लोग भारत के टुकड़े करेंगे वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते, जाहिल और गवार है वो। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक विचारधारा, गंदी विचारधारा जो पाकिस्तान से ग्रसित है, उनको भारत से बाहर जाना पड़ेगा। समाज एकजुट होकर के जवाब दे, हिंदुस्तान के सभी हिंदू एकजुट, और जो विश्व में कहीं भी हिंदू है वो सब एकजुट है, जाति और धर्म में नहीं बटेंगे हम। ये जो है कहा जा रहा है एक वैचारिक मुद्दा है, ये वैचारिक मुद्दा नहीं है। आज ब्राह्मण बनियों छोड़ो, कल वो होता है डिवाइड एंड रूल, आपने सुना होगा कि आप एक साथ तो काट नहीं सकते 80 करोड़ हिंदुओं को, आप जान रहे हो कि सो रहे हैं। जेएनयू में ही ऐसा क्यों? आज ब्राह्मण बनिए छोड़ो, कल राजपूत छोड़ो, धीरे धीरे करके एक एक करके बारी बारी से सबका नंबर आएगा। टारगेट करने की कोशिश हो रही है, इसमें हिंदू फंसेगा या सब एक? ये एक बड़ी होता है
कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है। तरीके से आप देखेंगे तमाम जो लोग यहाँ पे विरोध करने आए थे उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। लोग हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में है। कुल मिला के हमारे को चुप करा कर ये लोग ना उनको मजबूती दे रहे हैं, हमारे हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आए थे कि हिंदू और ब्राह्मण और बनियों को आपस में ना बांटा जाए और हम सारे समाज वाले मिलकर ब्राह्मण बनियों के साथ खड़े होकर हिंदुत्व का परिचय दें, जिसको दमन करने के लिए पुलिस हमें बोल रही है आपको डिटेन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि कैंपस का नहीं, कोई बात नहीं, वो लोगों को लगता है कैंपस का मुद्दा है, लेकिन ये हमारे लिए देश का मुद्दा है। आज अगर आपको डिटेन, सागर भाई आपको डिटेन करते हैं अगर तब भी आंदोलन क्या जारी रहेगा? आंदोलन अंत तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और जितने भी वो वामपंथी लोग हैं कीड़े जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है वो जय श्री राम कह रहे हैं, ब्राह्मण और बनिया को टारगेट कर रहे हैं तो पूरा हिंदू समाज एक साथ हो। ब्राह्मण को तो ये ऐसे टारगेट कर रहे हैं जैसे ब्राह्मण इनके बाप है और ये हमारे ब्राह्मण की नजायज औलादे हैं, ऐसे टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मण को। इंटेलेक्चुअल लोग इंटेलेक्चुअल लोग एक बात बताइए, क्या पूरे कैंपस में ब्राह्मण है? पूरे देश में ब्राह्मण नहीं है क्या? वहाँ पे ब्राह्मण लिख के क्या सिर्फ कैंपस के ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, पूरे देश के ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है? क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है भाई? ब्राह्मण ब्राह्मण एक तरीके से एक ही जेएनयू में जिस तरीके से ब्राह्मण विरोधी जो है चीजें लिखी गई थी और ये कहा गया था कि ब्राह्मण जो है वो भारत छोड़े, बनिया जो है उनको धमकी दी गई और ये कहा गया कि हम आ रहे हैं और खून बहेगा, इस तरीके के जो वहाँ पर कोट्स लिखे गए थे दीवारों के ऊपर, उनके जवाब में आज हिंदू समाज जो है वो एकजुट होकर के आगे आया और उन्होंने भारी लेवल पर यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात कही और एकजुट होकर के आया। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया और ये कहा गया कि ये सिर्फ एक कैंपस का मुद्दा है, इसको जानबूझ करके देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। जो हिंदू समाज यहाँ पर पहुँचा हुआ है वो इसको ज़्यादा जो है वो तूल ना दे, बल्कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हम अपने लेवल पे कार्रवाई करेंगे, इसको पूरे देश का मुद्दा ना बनाया जाए। लेकिन हिंदू समाज जो यहाँ पर पहुँचा था उनका कहना ये है कि पहले भी इस तरीके की घटनाएँ जेएनयू में होती रही हैं, कार्रवाई हुई नहीं है, तो ऐसे में उनको वो लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो और जल्द से जल्द पूरा जो है समाज एकजुट होकर के आगे आएगा और ये आंदोलन सिर्फ डिटेन करने से दबेगा नहीं, आगे भी जारी रहेगा, इस तरीके के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे थे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी, धन्यवाद, जय हिंद।